हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान क्रिकेट संघ ने अपने चुनावों की नई सिरे से तैयारियां शुरू कर दी। 1 दिसंबर को आरसीए कार्यकारिणी की मीटिंग होगी जिसमें चुनाव की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आरसीए के चुनाव हो जाएंगे। वैभव गहलोत का एक बार फिर से अध्यक्ष बनना तय है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव पर लगी रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दी है। 4 जिला क्रिकेट संघों की याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया। आरसीए चुनाव से रोक हटने के बाद दिसंबर में नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर आरसीए ने 1 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। माना ये जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आरसीए के चुनाव हो सकते हैं। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की देखरेख में ये चुनाव संपन्न होंगे। 4 जिला संघों ने एक याचिका लगाई थी 29 सितंबर को, और जो 30 सितंबर को शेड्यूल चुनाव थे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे, उस पे हाईकोर्ट की जो एकल पीठ है उसने स्टे कर दिया था, और उसके बाद से ये मामला लंबे चल रहा है और चुनाव तब से रुके हुए हैं। आज जब रिट याचिका हाईकोर्ट के सामने लगी तो हमने कोर्ट को पत्र दिखाए जिसमें जिस मुद्दे पे स्टे किया गया था, जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन आरसीए को दे दिया था 27 अक्टूबर को, उसके तहत नया इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको अपॉइंट किया गया 11 नवंबर को, और 16 नवंबर को उनके द्वारा कंसेंट दे दी गई। वो इलेक्शन ऑफिसर भी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हुए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने इलेक्शंस कराए हुए हैं। तो उस पर जब कोर्ट को अवगत कराया तो उस पर कहीं भी आपत्ति नज़र नहीं आई, और कोर्ट ने कहा इस लाइट के अंदर हम रिट याचिका का निस्तारण कर रहे हैं और आरसीए अब स्वतंत्र है चुनाव कराने के। आरसीए चुनाव की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। नए सिरे से चुनाव होने का मतलब साफ है, वोटर लिस्ट भी दोबारा फाइनल होगी। चुनाव अधिकारी अपने नोटिफिकेशन के जरिए फिर से आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद ही वोटर लिस्ट फाइनल होगी। आरसीए चुनाव में 36 वोटर्स की लिस्ट थी। जिलेवार बात करें तो इसमें अजमेर से राजेश भड़ाना, अलवर से पवन गोयल, बांसवाड़ा से मनीष देव जोशी, बारा से अभिनव जैन, बाड़मेर से देवाराम चौधरी, भरतपुर से शत्रुघ्न तिवाड़ी, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा, बीकानेर से रतन सिंह, बूंदी से राजकुमार माथुर, चित्तौड़गढ़ से शक्ति सिंह, चूरू से सुशील शर्मा, दौसा से प्रदीप नागर, धौलपुर से सुमेंद्र तिवाड़ी, डूंगरपुर से सुशील जैन, हनुमानगढ़ से मनीष धारनिया, जयपुर से अमित राज, जैसलमेर से विमल शर्मा, जालौर से सतीश व्यास, झालावाड़ से फारूक, झुंझुनू से राजेंद्र राठौर, जोधपुर से शैतान सिंह, करौली से शिवचरण माली, कोटा से अमीन पठान, नागौर से राजेंद्र नांदू, पाली से धर्मवीर, प्रतापगढ़ से चंद्रेश आंजना, राजसमंद से गिरिराज सनाठिय, सवाईमाधोपुर से सुमित गर्ग, सीकर से सुभाष जोशी, सिरोही से संयम लोढ़ा, श्रीगंगानगर से विनोद सहारण, टोंक से विवेक व्यास और उदयपुर से महेंद्र शर्मा के साथ ही 3 पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स में सलीम दुर्रानी, गगन खोड़ा और पंकज सिंह शामिल थे। आरसीए के चुनाव पहले 30 सितंबर को होने वाले थे, लेकिन 29 सितंबर को ऐन वक्त पर राजस्थान हाई कोर्ट से इस पर रोक लग गई। नांदू गुट ने कोर्ट में कहा कि राम लुभाया को सरकार ने लाभ का पद दे रखा है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव आरसीए का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि राम लुभाया मुख्यमंत्री के बेटे को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव अधिकारी बनाए जाने तक चुनाव स्थगित करने की मांग रखी। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव से 1 दिन पहले नांदू गुट के पक्ष में आदेश देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने रोक लगाई थी तब तक नामांकन हो चुके थे, जिनमें वैभव गुट की तरफ से अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत, उपाध्यक्ष पद पर राजेश भजाना, सतीश व्यास और रतन सिंह, सचिव पद पर भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष पद पर रामलाल शर्मा, संयुक्त सचिव पर सतीश व्यास और राजेश भजाना, कार्यकारिणी सदस्य के लिए फारूक अहमद ने नामांकन दाखिल किया था, तो वहीं विपक्षी गुट की तरफ से अध्यक्ष पर धनंजय सिंह, मुकेश शाह, उपाध्यक्ष पद पर भी धनंजय सिंह और मुकेश शाह, सचिव पद पर राजेंद्र सिंह नांदू, कोषाध्यक्ष पद पर विनोद सहारण, संयुक्त सचिव पद पर अरुण सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया को हरी झंडी मिलने के बाद माना जा रहा है कि अगर अंतिम समय पर रणनीति नहीं बदली तो वैभव गहलोत ग्रुप की तरफ से पूर्व में बनाया गया पैनल ही मैदान में उतरेगा। हाई कोर्ट ने तो राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव को हरी झंडी दे दी है, लेकिन अभी इन चुनाव में काफी माथापच्ची होनी है, क्योंकि वोटर लिस्ट को फाइनल करना सबसे बड़ा चुनौती का काम होगा।
बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आरसीए के चुनाव संपन्न हो और फिर राजस्थान क्रिकेट के लिए एक नई नीति के साथ वैभव गहलोत आ गया है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में वैभव गहलोत का फिर से अध्यक्ष बनना तय है। अब देखना यह है कि उनकी जो नई टीम है वो किस तरह से राजस्थान क्रिकेट संघ को आगे बढ़ाती है। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।